रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड क्लास। आज जो है वो हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 8 फ्रॉम द चैप्टर होम्योस्टेसिस। हमने जो है ना वो स्टार्ट की हुई है एक्सक्रीशन, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में जो है ना वो हमने पढ़ी थी एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें हमने जो है ना वो पहला ऑर्गेनिज्म जो डिस्कस किया था वो था हाइड्रा, दूसरा ऑर्गेनिज्म जो डिस्कस किया था वो था प्लेनेरिया, और तीसरा ऑर्गेनिज्म जिसकी हमने एक्सक्रीशन डिस्कस की थी वो था अर्थवर्म। सो आज जो हमारे पास फोर्थ इनवर्टिब्रेट मौजूद है वो है जी एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच की एक्सक्रीशन जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। कॉकरोच जो है ना वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में शामिल है। आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रो मींस जॉइंटेड एंड पोड मींस लेग्स। तो जोरदार टांगों वाले ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो आर्थ्रोपोड्स कहलाते हैं, और टेरेस्ट्रियल मींस खुश्की पर रहने वाले, ड्राई जगह पर रहने वाले ऑर्गेनिज़म हैं ये। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना वो उनके न्यूट्रिटिव सिस्टम के साथ जो है वो अटैच है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज attached with nutritive system मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच है। वाहिद जो है ना आर्थ्रोपोड्स ऐसा ग्रुप है, इंसेक्ट्स का ऐसा ग्रुप है जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। अदरवाइज सब ऑर्गेनिजम्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अलग है। जैसे ह्यूमंस के पास एक्सक्रीशन करने के लिए किडनीज मौजूद हैं जो कि यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सॉलिड वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। सिर्फ ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं ना इनका न्यूट्रिटिव सिस्टम उनके न्यूट्रिटिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। सो देखें, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में जो है ना वो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ा था, उसमें कुछ इस तरह से जो है वो डायग्राम बनाई थी। पहले इसके मैंडिबल्स शो किए थे, फिर उसके बाद जो है ना वो इसके स्लाइवरी ग्लैंड शो किए थे, फिर उसके बाद जो है ना वो इसका गिजर्ड शो किया था, क्रॉप शो किया था, क्रॉप, फिर उसके बाद जो है वो इसका गिजर्ड शो किया था, गिजर्ड के बाद जो है ना वो एक स्टमक लाइक ऑर्गन शो किया था, फिर उसके बाद जो है ना वो हमने यहाँ पर जो है वो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स भी जो है ना वहाँ पर लेबल की हुई थी, लेकिन उनको डिस्कस नहीं किया था तब। ये हैं जी मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, फिर उसके बाद जो है ना वो हमने रेक्टम डिस्कस की थी। रेक्टम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, और उसके बाद जो है ना वो एनस पाई जाती है जहाँ से सॉलिड वेस्ट मटेरियल निकाला जाता है। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। फूड जो है वो मैंडिबल्स के थ्रू छोटी छोटी की जाती है, फिर स्लाइवा जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है फूड के ऊपर जो कि स्टार्च वाली फूड की ब्रेक डाउन करता है, फिर फूड जो है वो क्रॉप में चली जाती है, फिर उसको गिजर्ड में भेजा जाता है, फिर वहाँ पे ग्राइंडिंग होके वो आगे स्टमक में आती है, फिर उसके बाद वो जो है ना वो कॉलन में जाती है, फिर रेक्टम में जाती है, और फिर वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखें ये मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स भी जो है ना वो वहाँ पर हमने देखी थी, लेकिन इनको वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था बिकॉज मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आर पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये बिल्कुल भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ना ही ये डाइजेशन में कोई रोल प्ले करते हैं। सो आज जो है वो हम ये मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स डिस्कस करने लगे हैं। आपकी बुक में जो है ना वो कॉकरोच की डायग्राम नहीं बनाई हुई, आपकी बुक में ग्रास होपर जो है वो शो किया हुआ है। अगर आपसे वो ड्रॉ नहीं होता तो आप सिंपली जो है ना वो इसकी फोरगट ड्रॉ करें, फोरगट, फिर इसकी मिडगट ड्रॉ करें,
कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के तीन हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं फोर गट, एक को हम कहते हैं जी मिड गट, और एक को हम कहते हैं जी हाइंड गट। सो यही हम जो है ना, अब ये सामने से दिखाया है, ये साइड से दिखाएंगे। ये है जी इसकी हाइंड गट, और ये है जी इसकी रेक्टम, और ये है जी एक्सक्रीटरी पोर, जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर जाना है। अब ये देखें, मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे पाई जाती हैं। जहाँ पे मिड गट और हाइंड गट आपस में मिलते हैं, वहाँ पर हमारे पास क्या पाई जाती हैं जी, ये मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स भी इनको प्रोनाउंस करते हैं, मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स भी इनको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ज़्यादा करेक्ट प्रोनंसिएशन जो है वो मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स की है। सो ये देखें, ये हैं जी हमारे पास मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स। अब ये जो है वो कॉकरोच की, अगर हम बाकी बॉडी कंसिडर करें ये, तो आपको पता है कि कॉकरोच की बॉडी में जो है ना वो रेड कलर का ब्लड नहीं होता, हमारे जैसा ब्लड नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं है उनके पास, जिसकी वजह से उनके ब्लड का कलर जो है वो रेड नहीं है। इसलिए हम उनके ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। लिम्फ जो है ना वो कलरलेस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, तो कॉकरोच के पास एक्चुअली में हीमोग्लोबिन ना होने की वजह से ब्लड कलरलेस है, वाइट कलर का फ्लूइड होता है, ऑफ वाइट कलर का फ्लूइड होता है, जिसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। ये देखें, ये है जी सारा इस गट के इर्द गिर्द जितना भी फ्लूइड है ना वो हीमोलिम्फ है। और एक बात आपको जो होना वो रिकॉल करवा देती हूँ कि हमारे पास जो वर्टिब्रेट्स हैं ना उनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी कि ब्लड जो है वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में ही फ्लो कर सकता है, वो अपनी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज यानी कि ब्लड वेसल्स को छोड़ के बाहर नहीं आता, और अगर वो बाहर आ जाए तो वो डेड होता है। हाँ, कुछ वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं ब्लड वेसल्स से आके, आपकी बॉडी का डिफेंडिंग सिस्टम कंट्रोल करते हैं, लेकिन आपका ब्लड और आपका मटेरियल, आपके शुगर सोर्स कभी भी आपके ब्लड से बाहर आके आपके टिश्यूज़ में जो है ना वो स्टे नहीं करते। जबकि ये जो कॉकरोच है ना हमारे पास, ये जो इंसेक्ट्स हैं, इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है ना इनके पास आर्टरीज हैं, ना इनके पास वेन्स हैं, ना इनके पास कैपिलरीज हैं, इनका ये जो ब्लड है ना हीमोलिम्फ, ये डायरेक्टली इनके टिश्यूज़ को बात करता है, हर जगह पर मौजूद है, किसी वेसल के अंदर, किसी ट्यूब के अंदर बंद नहीं है। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे पास जो सिस्टम पाया जाता है वो कौन सा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच के पास पाया जाता है। तो हर चीज़ जो है ना वो किस में मौजूद है? हीमोलिम्फ में। और हीमोलिम्फ जो है वो डायरेक्टली बात करता है सारे टिश्यूज़ को, डायरेक्टली बात द बॉडी टिश्यूज़, बॉडी के सारे टिश्यूज़ को जो है ना वो हर चीज़ सप्लाई करता है सिवाय ऑक्सीजन के, क्योंकि इसके पास तो ऑक्सीजन पकड़ने वाला पिगमेंट नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं है, दैट्स वाई ये गैसेस की ट्रांसपोर्ट नहीं करता, उसके लिए कॉकरोच के पास एक अलग सिस्टम है। सो देखें, अब हीमोलिम्फ में क्या है जी? वाटर। हीमोलिम्फ में क्या है जी? सॉल्ट्स। हीमोलिम्फ में क्या है? शुगर्स। और उसके अलावा वेस्ट मटेरियल भी हीमोलिम्फ में ही मौजूद है। ये देखें, ये हैं जी बॉडी के टिश्यूज़, और ये इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो है ना वो हीमोलिम्फ मौजूद है। बॉडी के टिश्यूज़ को चीज़ें प्रोवाइड भी यही करता है, और वेस्ट मटेरियल भी इसी के अंदर आ जाता है। अब देखिए, वाटर भी प्रोवाइड करेगा, शुगर्स भी, मिनरल्स भी, सॉल्ट्स भी, मेटाबोलाइट्स भी, और इन रिटर्न जो है वो वेस्ट मटेरियल भी किस में आएगा? हीमोलिम्फ में ही आएगा। सो अब देखें, ये है हमारा हीमोलिम्फ, और इस हीमोलिम्फ के अंदर क्या मौजूद हैं जी? ये मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स। अब ये मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स को हम अगर थोड़ा सा बड़ा एनलार्ज करके देखें, तो ये देखें, ये है हमारे पास मेलफिगियन ट्यूब्यूल, हमने इसको ऐसे दिखा लिया, ये देखें, ये मेलफिगियन ट्यूब्यूल की क्या है? एपिथीलियम। लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी, ऊपर वाली लेयर को एपिथीलियम कहते हैं, और अंदर जो खाली जगह होती है जिससे मटेरियल अंदर मूव कर सकता है, उसे हम ल्यूमन कहते हैं। अब ये हैं हमारे पास मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स, और मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स की क्या हैं जी? एपिथीलियम, और उसके अंदर जो खाली जगह है वो क्या है? ल्यूमन है, और जो बाहर मटेरियल फ्लो कर रहा है वो सारा क्या है? हीमोलिम्फ है, और हीमोलिम्फ के अंदर मौजूद है जी
नाइट्रोजिनस वेस्ट, वाटर, सॉल्ट, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है. वाटर, सॉल्ट्स, नाइट्रोजिनस वेस्ट एज वेल एज शुगर्स, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी हीमोलिम्फ में मौजूद हैं. तो अब होता क्या है कि ये मटेरियल, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये वाटर और ये सॉल्ट्स और ये शुगर्स, ये मूव करती हैं जी एपिथीलियम की तरफ. एपिथीलियम इसको एब्जॉर्ब करती है और फिर अपने ल्यूमन में भेज देती है. तो ये जो वेस्ट मटेरियल था वो कहाँ चला गया जी, ल्यूमन ऑफ मेल्फिगियन ट्यूब्यूल के अंदर. अब जब ये मेल्फिगियन ट्यूब्यूल आगे मूव करेंगी तो ये सारा मटेरियल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ जाएगा. ये देखें, ये मेल्फिगियन ट्यूब्यूल से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. सो फिर जैसे जैसे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट बॉडी से बाहर जाएगा वैसे वैसे ये नाइट्रोजिनस वेस्ट भी बॉडी से बाहर जाएगा. मैंने पहले भी बताया लेक्चर के स्टार्ट में, ये वाहिद ऑर्गेनिजम्स हैं इंसेक्ट्स जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम उनके न्यूट्रिटिव सिस्टम के साथ है. डाइजेस्टिव सिस्टम में जहाँ से खाना डाइजेस्ट होके जा रहा है और उससे सॉलिड वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, उसी के अंदर जो है ना वो इनका नाइट्रोजिनस वेस्ट शामिल होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड. और इनका जो वेस्ट मटेरियल ये एक्सक्रीट आउट करते हैं वो क्या है, यूरिक एसिड है, क्योंकि इनको शॉर्टेज ऑफ वाटर है. शॉर्टेज ऑफ वाटर, जिनके पास पानी की कमी होती है वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं, क्योंकि 1 ग्राम यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने के लिए जस्ट 1 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड है. सो कॉकरोच जो है वो यूरिक एसिड क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसे पानी की शॉर्टेज है. देखें अब हीमोलिम्फ से मटीरियल कहाँ आया, एपिथीलियम ने एब्जॉर्ब किया, फिर एपिथीलियम से वो किधर आ गया, ल्यूमन में, और ल्यूमन से फिर वो वेस्ट मटेरियल जो है वो क्या करेगा, आगे मूव करेगा. जब ये वेस्ट मटेरियल आगे रेक्टम में पहुंचेगा, यहाँ कॉलन से होता हुआ, तो जब ये वेस्ट मटेरियल यहाँ रेक्टम में पहुंचेगा, एक्चुअली मैंने ना ये इंटेस्टाइन से शो कर दिया, ये मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ से वेस्ट मटेरियल आएगा. सो जब ये वेस्ट मटेरियल यहाँ आएगा आगे रेक्टम में पहुंचेगा, तो रेक्टम में आके क्या की जाएगी, रीअब्सॉर्प्शन. जो कॉकरोच के हीमोलिम्फ से हमने यूज़फुल चीज़ें अब्जॉर्ब यहाँ पे हो गई थी ना, जो के मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स में चली गई थी, जैसे उसका यूज़फुल वाटर, उसके यूज़फुल सॉल्ट्स, उसकी यूज़फुल शुगर्स, वो जो है ना वो रेक्टम के अंदर आके क्या होंगी, रीअब्जॉर्ब होंगी और बॉडी को हीमोलिम्फ को वापस दे दी जाएंगी. और जो बाकी वेस्ट मटेरियल बचेगा यूरिक एसिड, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के वेस्ट मटेरियल के साथ ही बॉडी से निकाल दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फीसेस. सो इसके अलावा ना सेकेंड ईयर के इस कॉकरोच की एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले टॉपिक में ना एक और वर्ड यूज़ हुआ है. जैसा मैंने हीमोलिम्फ आपको क्लियर कर दिया कि ये कलरलेस फ्लूइड है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, रेड पिगमेंट ना होने की वजह से हम इसे हीमोलिम्फ कहते हैं, लिम्फ मीन्स कलरलेस. इसी तरह ना बुक में टॉपिक में एक वर्ड यूज़ हुआ है साइनसेस, साइनस कहते हैं कैविटी को. सो कॉकरोच के अंदर से अगर सब कुछ रिमूव कर दिया जाए, हीमोलिम्फ रिमूव कर दिया जाए, सिर्फ गट रहने दी जाए, तो गट के इर्द गिर्द जो खाली जगह बचती है उसे हम क्या कहते हैं, साइनस. क्या कहते हैं, साइनस. तो बॉडी पोर्शंस के हिसाब से जो है ना हम उसे साइनसेस कह देते हैं. मतलब जिस खाली जगह में हार्ट मौजूद है वो कार्डियक साइनस होती है, जिसमें नर्वस सिस्टम मौजूद है वो न्यूरल साइनस होती है, और जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है उसे हम विसरल साइनस कहते हैं. इसीलिए मैंने साइनस नहीं साइनसेस लिखा है. कॉकरोच के ऑर्गन्स के हिसाब से ना बॉडी कैविटी को हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है. ये भी खैर फर्स्ट ईयर का टॉपिक है साइनसेस वाला. सो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, साइनसेस किसे कहते हैं, कैविटी को, खाली जगह को. सो उसके बाद जो है ना वो ये भी बात क्लियर हो गई कि इंसेक्ट्स जो हैं वो ओनली ग्रुप हैं एनिमल्स के इन वर्टिब्रेट्स में जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम उनके न्यूट्रिटिव सिस्टम के साथ अटैच है. सो अब आप जो है वो अपनी बुक से भी फॉलो कर लें कि आपने जो है वो क्या याद करना है. सो पेज नंबर जो है वो बुक से है, पेज नंबर है 10. पेज नंबर 10 पर ये एक्सक्रीशन इन कॉकरोच का एक पैराग्राफ है, और उसके साथ आपने जो है वो MCQ के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए येलो बॉक्स भी याद करना है. इसमें उन्होंने बताया कि इंसेक्ट्स आर द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल्स
विच एलिमिनेट एक्सक्रीटरी वेस्ट विद फीसेस, जो अपने सॉलिड वेस्ट के साथ ही अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव करते हैं, जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। और ये जो है वो आपके पास ग्रास होपर की डायग्राम है, लेकिन आप जो है वो सिर्फ इसका सेंटर वाला जो सिस्टम इन्होंने शो किया हुआ है वही ड्रॉ करना सीख लें, अच्छी सी डायग्राम बनानी सीखें। और इसमें मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स डिस्कस की हैं, हीमोलिम्फ डिस्कस किया है और साइनस डिस्कस की है, ये उसका सारा प्रोसेस बताया है कि किस तरह से वेस्ट मटेरियल जो एब्जॉर्ब करके फिर रेक्टम में भेजा जाता है, फिर वहाँ रीअब्जॉर्प्शन होती है, फिर वेस्ट मटेरियल जो है वो फीसेस के साथ ही इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड बॉडी से बाहर चला जाता है। फर्दर लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।